कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.2 हम इसका 11वां प्रश्न करने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखिए हमारे पास ये एक वृत्त है, इसके चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो आइए हम इसे यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक बाहरी पॉइंट है, बाह्य पॉइंट है, इससे इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एपी और एएस। और हमने पढ़ा था कि एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हम लिखेंगे बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो AP बराबर AS आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यदि आपको याद होगा कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही था। तो अब हम देखते हैं AP वाली साइड ही हम लिखेंगे DP। तो D से भी दो बिंदु हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं DP और DQ, ये भी बराबर होंगी। तो DP बराबर DQ, इसका भी रीजन यही होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से C से दो बिंदु हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं CQ, CR, जो CQ होगा वो DQ वाली साइड रहेगा, तो इधर आ जाएगा CR, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। और इसका भी जो कारण होगा यही होगा कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, दोनों की लंबाई बराबर हो। इसके बाद बाह्य बिंदु है B, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं BS और BR, तो BR बराबर BS, ये होगी इक्वेशन नंबर 4, इसका भी रीजन यही होगा। अब हम इन चारों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4। अब देखते हैं हमारे पास क्या प्राप्त होता है। हमें AP प्लस DP प्लस CR प्लस BR, ये बराबर होगा इस तरह आइए AS प्लस DQ प्लस CQ प्लस BS। जब अब इन्हें प्लस करेंगे तो देखिए AP प्लस DP, AP प्लस DP मिल जाएगा पूरी लाइन, AD प्लस CR प्लस BR, CR प्लस BR मिलके बन जोड़ के पूरी साइड बन जाएगी BC बराबर AS प्लस BS, AS प्लस BS बनके पूरी भुजा बन जाएगी AB प्लस DQ प्लस CQ, CQ प्लस DQ, ये पूरी भुजा बन जाएगी CD। अब यदि हम ध्यान से देखें तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब है इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, यानी AB जो है वह CD के बराबर होगा, AB जो है यह CD के बराबर होगा। तो CD की जगह मैं लिख सकता हूं AB। इसी प्रकार से AD प्लस BC, AD जो है यह BC के बराबर है क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने वाली भुजाएं हैं। तो हम BC की जगह भी लिख देते हैं AD। इसका मतलब क्या हुआ, AD प्लस AD हो गया 2AD, AB प्लस AB हो गया 2AB, दो से दो कट गया, हमारे पास बच गया AD बराबर। अब यदि हम इस समांतर चतुर्भुज में ध्यान से देखें तो हमें दे दिया गया AD AB के बराबर है, AB C
सीडी के बराबर है, सीडी और एडी जो है वो बीसी के भी बराबर है। इससे हमें यह पता चला कि एबी, बीसी, सीडी और एडी ये चारों ही एक दूसरे के बराबर है। एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी, और यदि कोई चतुर्भुज ऐसा हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे कहा जाता है कि वह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कौन सा होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सिद्ध हुआ। तो यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था।